भारतीय वायुसेना के दो लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के मुरैना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वायुसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वायुसेना के दो विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी दी। 28 जनवरी को एक नियमित परिचालन उड़ान मिशन के दौरान मध्य प्रदेश में मुरैना के पास दो लड़ाकू जेट, एक सुखोई 30 एमकेआई और एक मिराज 2000 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारतीय वायुसेना के एक पायलट की मौत हो गई थी।